हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में। मेरा और भी वीडियो है, आप देख सकते हो ये मेरे यूट्यूब में, कि गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट देती है, जिसमें MEIS है, SEIS है। बट ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा EPCG के बारे में। व्हाट इज EPCG? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम दे रही है। उसमें से एक स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब जो मशीनरी वगैरह है, कि जिसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, उसका यह स्कीम है। देखो, कई हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, और जो मैन्युफैक्चरर है उसको बोलती है कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो। बट मैन्युफैक्चरर बोलता है हम एक्सपोर्ट तो करें, बट हमारा जो गुड्स है कॉम्पिटिटिव नहीं है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट हम नहीं बना पाते, इतना फिनिशिंग नहीं ला पाते। तो गवर्नमेंट बोलती है क्यों नहीं ला पाते भाई, क्या प्रॉब्लम है? बोले हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मशीन नहीं है जिससे हम अच्छा बढ़िया गुड्स बना सके। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो वो मशीन जर्मनी में मिलती है, वो मशीन चाइना में मिलती है, वो मशीन अमेरिका में मिलती है, तो वहां से हमें मशीन लाना पड़ेगा। तो हम लाते तो है, हम लाना चाहते भी है, बट अगर प्लांट पूरा डालोगे तो मशीनरी 1 CR तक तो हो ही जाती है, और वो हम लाए और गवर्नमेंट उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लेती है, लाइक 20% 30%, डिपेंड रहता है, 20-30%, तो वो भी उसको बेयर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ओके आपको ये प्रॉब्लम है हो रही है, तो गवर्नमेंट बोलेगे हम आप मशीनरी इंपोर्ट करोगे तो हम आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो EPCG स्कीम में क्या होता है, आप कुछ भी लाइक मशीनरी जो है इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। आपको पहले से EPCG का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। तो क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होगी तो स्कीम क्या है? तो ये स्कीम में ऐसा होता है कि आप जो भी ड्यूटी सेव्ड अमाउंट, समझो 1 CR का मशीनरी है, 20% आपका जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। 20% इंपोर्ट ड्यूटी मतलब 1 CR पे 20% मतलब 20 लाख का इंपोर्ट ड्यूटी हुआ। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको 20 लाख रुपीज आपको भरने नहीं है, आपका ड्यूटी मैं माफ करती हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट 20 लाख रुपीज माफ करती है, पर उसके बदले में क्या हमसे मांगती है कि आपने जो ड्यूटी, उसके स्कीम का ये रूल है कि आपने जो ड्यूटी सेव की है, ड्यूटी सेव्ड अमाउंट का 6 times इन 6 years में आपको एक्सपोर्ट करना है। ओके, ड्यूटी सेव्ड अमाउंट का 6 times मतलब 20 लाख का 6 times हुआ 1 CR 20 लाख रुपीस। तो आपको जो है 6 years में मतलब 120 लाख का आपको एक्सपोर्ट करना है। जो मशीनरी आप लाए हो, जो लाइसेंस में लाए हो, जो IEC में वो मशीनरी क्लियर हुआ है, जो IEC में आपने EPCG स्कीम लिया है, वो IEC से आपको लाइक 1 CR 20 लाख का एक्सपोर्ट 6 years में आपको करना पड़ेगा, तो आपको 20 लाख का ड्यूटी माफ मिलेगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है हमारे लिए कि इंपोर्ट ड्यूटी हमको नहीं भरनी पड़ेगी। तो कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम नहीं कर पाए तो, ये तो इंपोर्टेंट है ही कि नहीं कर पाए तो क्या करना है। मान लीजिए कि आप आधा ही कर पाए, 60 लाख का एक्सपोर्ट कर पाए, 60 लाख का नहीं कर पाए 6 years में, तो क्या होगा? तो आपको 60 लाख जो किया वो आधा माफ मिलेगा, आधा का ड्यूटी जो है आपको विथ इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लाइक 18% समथिंग जो भी रहेगा, वो इंटरेस्ट के साथ आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लगता है कि सर ये हम मशीनरी तो लाना चाहते हैं बट हमारा एक्सपोर्ट हो ना हो हम कंफर्म नहीं है, तो आप यहां पे एक स्कीम है, उसको बोलते हैं पोस्ट EPCG स्कीम। मतलब यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भर देनी है, 20 लाख रुपीज इंपोर्ट ड्यूटी आपको भर देनी है। उसके बाद क्या होगा, जितना आप एक्सपोर्ट करते जाओगे वो आप वो ड्यूटी वापस क्लेम करनी है। पोस्ट मतलब पहले भर दो, वापस क्लेम कर लो। तो ये होता है EPCG स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो आप नई फैक्ट्री आप बनाना चाहते हो तो ये, अगर एंड मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हो तो ये स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मुझसे प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, जल्दी सीखना चाहते हो, देखो मार्केट में आज लाइक फास्ट मूव का जमाना है, तो आपको फास्ट मूव करना है, जल्दी सीखना है, और इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सिखाता है, राइट गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी हम वो देंगे बहुत सारे में, क्योंकि मेरा तो ट्रांसपेरेंट काम है, देखो मेरा तो पूरा ट्रांसपेरेंट, जो मैं आता है वही मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे से बड़ा नहीं कि आप इधर आ जाओ जादू हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जादू करता हूँ, बट जो मैं आपको कोई किसी को प्रॉमिस नहीं करता, इसलिए मेरे स्टूडेंट कहते हैं जो सर हमने एक्सपेक्टेशन की थी उससे हमें ज्यादा मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका फोन उठाया, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए और आपका सीट
बुक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीट लिमिटेड रहता है। और आप फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को शेयर भी कीजिए। जितना हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, जितना हमारा कम्युनिटी आगे बढ़ेगा, इतना मैं और आप, देखो वाइस रिवर्स गेन, मैं भी बढ़ूंगा आप भी बढ़ोगे। जितना मुझे नॉलेज मिलेगा वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप दूसरों को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको आंसर देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।